न्यारा जी, क्या आप घर बनाना चाहते हैं, एक प्रॉपर्टी में निवेश करना चाहते हैं, अपने सपनों की दुनिया बसाना चाहते हैं, या अपनी ड्रीम कार खरीदना चाहते हैं? मार्केट में नई कार आई है और वो आप खरीदना चाहते हैं। अब क्या करें? अब सब कुछ बहुत महंगा है और नहीं कर पा रहे, लोन नहीं हो पा रहा, बड़े परेशान हैं। तो क्या करना चाहिए? एक छोटा सा उपाय मैं आपको बताने जा रही हूँ, उस उपाय को आप करिए तो आप जो भी खरीदना चाहते हैं वो आप बड़े इजीली से खरीद सकते हैं। ये एक मैनिफेस्टेशन टेक्निक है, ऐसी मैनिफेस्टेशन टेक्निक है जो कि स्विच वर्ड्स के साथ मिलके काम कर रही है और आपके इंटेंशन और फेथ के साथ मिलके काम कर रही है, जो आपके ड्रीम हाउस, ड्रीम घर या ड्रीम कार के पास आपको ऑटोमेटिकली लेके चली जाएगी, यानी कि ड्रीम कम ट्रू आप आराम से कह सकते हैं। और वीडियो बताने से पहले, आपको रिचुअल बताने से पहले या आपको वो टेक्निक बताने से पहले, अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं हूँ आपकी अपनी सोलमेट शबाना, और सब्सक्राइब करके लाइक शेयर कमेंट जरूर करिएगा। तो चलिए अब हम चलते हैं उस मैनिफेस्टेशन टेक्निक की तरफ जो कि आपकी ड्रीम को पूरा करेगा 101%। जो मैंने किया मैं वही आपको बताने जा रही हूँ, क्योंकि ये मैंने किया और जो भी मेरा ड्रीम है वहां तक मैं पहुंच गई, अचीव भी कर लिया। क्या करना है आपको? जैसे कि आप चाहते हैं कि घर खरीदना है, या फिर ऑफिस खरीदना है, ऑफिस स्पेस खरीदना है, या ऑफिस बना हुआ आपने खरीदना है, या फिर कोई अपनी पसंद की गाड़ी खरीदनी है, तो आपको क्या करना है? आपको कोई भी एक चाबी लेनी है, की, कोई भी एक की लेनी है, चाबी। जैसे घर के लिए लिया तो आपने चाबी ले ली कोई भी, उसको अच्छे से साफ साफ किया, उसको सुंदर से सजाया, उसको जो है बहुत, उसको ना बहुत एक आदर भाव दिया, उस चाबी को, उस की को आपने बहुत आदर भाव दिया, उसको जो है आपने अपने हाथ में रख के उसको चार्ज किया, इंटेंशन दिया, उसको सजा, अगर आप उसको डेकोरेट भी करेंगे तो भी बहुत अच्छा होगा। अब देखिए यहाँ पे किस तरह की चाबी आपको लेनी है। अगर आपको घर लेना है तो आपने ये सोचा हुआ है कि इस तरह का गेट होगा, इस तरह का दरवाजा होगा, तो इस तरह की चाबी चाहिए होगी। तो वो कोई भी चाबी आप ले सकते हैं, जो भी आपके थॉट्स में है, कोई भी एक चाबी ले लीजिए, राइट। आपने अगर कोई गाड़ी का सोचा हुआ है तो उसकी चाबी कैसी होगी? या तो वो चाबी अगर आपको उस तरह की चाबी कहीं पे आपको मिल जाए तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो आप कोई भी गाड़ी की चाबी आप ले सकते हैं। कोई भी गाड़ी की चाबी ले सकते हैं और उसको अच्छे से साफ करके उसको उसको भी आप डेकोरेट कर सकते हैं, कुछ अच्छे रिबन्स लगा सकते हैं, और बिल्कुल उसको ना, जैसे कहते हैं ना अपने बच्चे को जैसे अपने पास कर लेते हैं ना, उसको बिल्कुल वो पैम्पर करना है आपको, बहुत पैम्पर करना है उसको। और क्या मैनिफेस्ट करना है घर की चाबी के लिए? रीच होम नाउ डन, सिंपल सा ये चार शब्द, रीच होम नाउ डन। अगर गाड़ी चाहिए तो रीच उस गाड़ी का नाम, नाउ डन, जो भी गाड़ी चाहिए आपको, जो भी गाड़ी चाहिए, ठीक है। अब आपने अगर कोई ऑफिस स्पेस लेना है तो रीच माई ऑफिस नाउ डन, तो ये आपको उस चाबी पे लिख लेना है। और उसके बाद आपको रोज उसको, एक तो ये आपको चैंट कंटिन्यूसली आपको ये चैंट करना है थ्रू आउट द डे, और आपने चाबी के ऊपर भी लिख लिया है। अब चाबी के आपको ऊपर आप डायरेक्ट नहीं लिख सकते हैं, तो उसके ऊपर एक पेपर चिपका देंगे और उसके ऊपर लिख देंगे तो वो भी चलेगा। और रोज आपको उस चाबी को हाथ में लेके ऐसे उसको मैनिफेस्ट करना है, उसको चैंट करना है, उसको महसूस करना है कि आपकी वो जो विश है, आपका घर आपने वो खरीद लिया है, वो गाड़ी आपने खरीद ली है, ये आपको मैनिफेस्ट करना है। दिस इज अ
ब्यूटिफुल टेक्निक ऑफ मैनिफेस्टेशन। जब आप अपनी प्रॉपर्टी खरीदना है, घर खरीदना है, ऑफिस खरीदना है, गाड़ी खरीदना है, और क्या क्या खरीदना होता है, और क्या क्या खरीदना होता है, जो भी खरीदना होता है जिसमें भी चाबी लगती है, तो आप चाबी की जो है उस पे आप लिख सकते हैं। इवन अगर आप एग्जाम्स कर रहे हैं, एग्जाम्स कर रहे हैं, तो भी आप एक चाबी लिख सकते हैं, सक्सेस लिख सकते हैं उसके ऊपर, सक्सेस और कितने परसेंटेज चाहिए वो लिख सकते हैं, अपनी मैनिफेस्टेशन उस पे भी लिख सकते हैं, यहाँ पे भी आप इसको यूज कर सकते हैं। ठीक है, एक तरह से कह लीजिए ये किस्मत का ताला खोलने वाली चाबी है, जिसको कि आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं और अपने सपनों को पूरा कर रहे हैं। चलिए जल्दी से जो है आप लोग अपने किस्मत का ताला खोलिए, अपनी इच्छाओं को पूरा करिए, और मुझे जल्दी से कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए कि आपने किया, और करने के बाद उसका रिजल्ट मुझे जरूर बताइएगा। ये देखिए, कोई भी आप कोई भी बीड़ा उठाते हैं करने के लिए, ना कोई भी बीड़ा रिचुअल उठाते हैं करने के लिए, तो उसको फिर रिलीजियसली करना होता है। ऐसे नहीं कि बीच में छोड़ दें, बीच में नहीं छोड़ना होता उसको, फिर आपको कंटिन्यूअसली करना पड़ता है उसको, जब तक ना पूरा हो जाए तब तक आपको उसको करना पड़ता है। ठीक है, और कीप डूइंग इट, क्योंकि कई लोग मेरे को क्वेश्चन पूछते हैं कितने दिन करना है, कब तक करना है, कब रिजल्ट आ जाएगा। जी, रिजल्ट तो तभी आएगा जब आप उसको रिलीजियसली करेंगे। आप 2 दिन करेंगे, 4 दिन नहीं करेंगे तो रिजल्ट नहीं आएगा। ठीक है, तो चलिए अभी के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं जल्दी से। थैंक यू सो मच।